हेलो एंड वेलकम टू मेनेस एंड द मॉन्क। और जैसा आप देख सकते हैं, वी हैव समवन वेरी वेरी स्पेशल विद अस। सादिक भाई हैज जॉइंड अस। और आज हम लोग एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में काफी बातें हुई है, काफी डिस्कशंस हुए हैं, बट एक एक कभी हमको एक क्लियर पिक्चर इमर्ज अभी तक नहीं हुई है। एंड आई डाउट हम लोग इस कॉन्वर्सेशन से उसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन सादिक भाई, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट द फ्यूचर ऑफ लालीगा, क्योंकि काफी अपहीवल हुआ है पिछले 2-3 साल में। अगर आप बार्सिलोना की फाइनेंशियल कंडीशंस की बात करो, अगर आप अगर आप रियल मैड्रिड की स्पेंडिंग की बात करो, जो कि उनके फैंस के हिसाब से उन्होंने उतना स्पेंड नहीं किया है जितना स्पेंड किया है। हालांकि सक्सेस काफी मिली है, रियल मैड्रिड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल चैंपियंस लीग में। एथलेटिको मैड्रिड इज गोइंग थ्रू देयर ओन इशूज। कुछ नए पावर्स इमर्ज हुए हैं स्पेन में भी। बट एक चीज हमको ये भी माननी पड़ेगी कि ESL की जो आवाज है वो सब एक वन ऑफ द मेजर कंट्रीज जहां से वो निकल रही है वो स्पेन है। बट सादिक भाई, डू यू थिंक लालीगा इज हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन व्हेन इट कम्स टू नॉट जस्ट द फुटबॉल बट एवरीथिंग, मनी, स्पॉन्सरशिप्स, मार्केटिंग? आई थिंक अगर मैं शॉर्ट आंसर दूं तो इट वुड बी नो एट द मोमेंट, एट द मोमेंट स्ट्रेट अप। लेकिन वो नो क्यों है उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, वो समझने की नीड है। करेक्ट। लालीगा वाज एंड हावे टेबास को हम बोलते हैं, हावे टेबास भी एक तरीके से अच्छा भी कर रहा है। इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी टू से कि वो कुछ अच्छा भी कर सकता है वो इंसान, बिकॉज बीइंग अ बार्सा फैन। लेकिन अगर मैं एज अ होल उसमें बात करूं, आई मीन इन द होल कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द लालीगा, तो व्हेन हावियर टेबास केम इन, आई थिंक उसको तकरीबन अभी इसका तीसरा टर्म होगा ये दैट ही विल बी गोइंग फॉर। आई थिंक ही इज बीन देयर फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 years शायद एज प्रेजिडेंट, 10 साल होने को आ जाएंगे। द थिंग इज व्हेन टेबास केम इन इनिशियली उसका इंटर, क्योंकि लालीगा इससे पहले जो जो था, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर हिज नेम, बट पावर्स टू बी कंप्लीटली बैंक ऑन द पॉपुलरिटी ऑफ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना टू ब्रिंग इन द मनी एंड फॉर दोज करेक्ट। क्लब्स टू रेक इन द मनी। यू हैव टू गो बैक इन टू द टाइम ऑफ लेट 90s वेन यू हैड द अपराइज ऑफ डेपोतिवो ला कोरुनिया हु आर नोन एज सुपर डेपो, जिनके पास रिवाल्डो था, जिनके पास बेबेतो जैसे प्लेयर्स थे, देन दे गॉट इन अ फ्यू अदर गुड प्लेयर्स एंड यू हैड द राइज ऑफ दैट ब्रिलियंट वेलेंसिया टीम। You had the likes of Pablo Aimar and that great Valencia team, Ruben Baraja, Santi Cañizares. But those teams became good. They qualified for the Champions League. They got the money, and then they invested in terms of trying to catch up with the two big guns that were there. That was Barcelona and Real Madrid. थोड़ा एडवांटेज उनको ये भी था कि बार्सिलोना वॉज गोइंग थ्रू इट्स लीनेस्ट फेज एवर इन इट्स हिस्ट्री। दे फिनिश्ड फोर्थ फोर्थ एंड सिक्स्थ। They were also going through a little bit of upheaval at that time, करेक्ट। in that phase. तो when these clubs started spending, हुआ क्या? They went to La Liga at that time कि भाई Premier League कर रहा है यूनिफॉर्म टीवी डील एंड यूनिफॉर्म टीवी स्ट्रक्चर, ठीक है आप भी इसको लेके आओ। बट बिकॉज बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड वर रेकिंग इन द आई बॉल्स फॉर ला लीगा एंड गेटिंग इन द स्पॉन्सर्स, दे कुड नॉट से नो टू रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना के नहीं हम आपको। लालीगा में कैसा होता है, एवरी क्लब ब्रिंग्स देयर ओन टीवी राइट्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम इस तरीके से होता था, मतलब पीएल ने तो जब शुरू हुआ पीएल अर्ली 90s में, तब से उन्होंने क्या किया, शुरू में पीएल में भी ऐसा ही होता था। दैट्स व्हाई द फर्स्ट 10 years मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रूल बहुत उसका फायदा उठाया। आई राइट। मीन देयर वाज मिड 90s के कुछ ऐसे सीजन थे कि 45% ऑफ द टीवी रेवेन्यू ऑफ द एंटायर पीएल वाज गोइंग टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, और वो उस टाइम पे हर सीजन हर विंटर हर विंडो में 30 से 50 मिलियन पाउंड खर्चते थे इन 90s, राइट। जो आज के जमाने में 250 से 300 मिलियन की विंडो हो सकती है, मतलब चेल्सी लाइक विंडोज हो सकती हैं। वो ये नहीं एक प्लेयर पे नहीं करते थे, लेकिन मल्टीपल प्लेयर पे 10 मिलियन का रॉय कीन आ गया, 12 मिलियन का वो आ गया, 6 मिलियन का ये आ गया, जो कि विच वर ह्यूज अमाउंट्स। ये उस जमाने की बात है जब इंग्लिश ट्रांसफर रिकॉर्ड एलन शीरर वाज 15 मिलियन पाउंड। सो यू आर डूइंग दीज परचेजेस एट दैट टाइम। तो बट पीएल सॉ इट, और जब नेक्स्ट नेगोशिएशन आई कॉन्ट्रैक्ट की 2000 2001 में, जब वो आई थिंक वो बार्कलेस प्रीमियर लीग से, या जब वो बार्कलेस प्रीमियर लीग एफए प्रीमियर बना, लीग से बार्कले प्रीमियर लीग बन गया। हाँ उस वक्त स्काई के साथ डील हुई, और स्काई के बाद वो आईटीवी के साथ डील हुई, और जो जो भी टीवी राइट्स हुए,
देन दे डिसाइडेड के, और उसी में ये वाला क्लॉज भी फिर आया, ये जो क्लॉज नंबर 9 आजकल काफी लोग बात करते हैं ना कि द टीम्स हैव साइंड, वो उस जमाने का क्लॉज है, 2001-2002 के टाइम का क्लॉज है वो। राइट तो बिकॉज व्हाट द प्रीमियर लीग गारंटीड दोस क्लब्स वाज कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, वी विल मेक श्योर कि यू आर फ्लश विद कैश, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो उस टाइम पे वो आया था द नोशन ऑफ द 100 मिलियन डॉलर गेम, वो जो इट स्टार्टेड एट दैट टाइम। सो राइट नाउ कमिंग, बट लालीगा डिड नॉट डू दैट, सेम विद सीरिया, सीरिया डिड नॉट डू दैट, इट बाउड डाउन टू द पावर्स दैट बी, दैट वर द बिग क्लब्स, एसी यूवेंटस, इंटर मिलान मिलान, रोमा टू यूवेंटस सम एक्सटेंट, बिकॉज रोमा हैज अ बिग मार्केट, रोम के दो क्लब्स हैं, लाजियो और रोमा, राइट तो बट उनको रोम का मार्केट मिलता है बड़ा वाला नाउ, और उनको कभी जरूरत भी नहीं पड़ी, बिकॉज लकीली फॉर लालीगा 2008 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि द टू बडिंग सुपरस्टार्स, बेसिकली यू हैड, आज से पहले क्या होता था, एक एरा में डी स्टेफानो था और डी स्टेफानो के साथ ही पुष्कस भी खेलता था, राइट और पुष्कस के साथ बार्सिलोना में कुबाला एंड कॉक्सिस खेलते थे, लेकिन दैट वाज नॉट अ वेरी मीडिया फ्रेंडली एरा, 50s, लेट 50s, करेक्ट 60s, पेले वाज द अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार। बाय द टाइम ही केम डाउन इन 70s, क्रॉइफ एंड बेकन बावर वर द अनडिस्प्यूटेड सुपरस्टार्स, एंड देन बेकन बावर स्टार ऑल्सो वेन, एंड ही वॉज अ डिफेंडर, देन देर वॉज क्रॉइफ। बाय द टाइम क्रॉइफ का स्टार डिम हुआ, मैराडोना, मैराडोना डिम हुआ, R9, R9 इंजर्ड हुआ, जिडान। निदान दिस वॉज द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वेर यू हैड टू प्लेयर्स ऑफ गोट स्टेटस और एंड बडिंग गोट स्टेटस, 23 इन एंड 21 ईयर ओल्ड, प्लेइंग टुगेदर सेम लीग, आर्च राइवल्स, आर्च नेमेसिस। तो लालीगा को तो आईबॉल्स मिलने ही थे, तो अगेन बार्सिलोना रियल मैड्रिड डिड नॉट अग्री टू इट, बिकॉज एंड दे वर नॉट इवन वरीड अबाउट सिटी एट दैट टाइम, क्योंकि उनका जो इनटेक था दैट वॉज मैसिव, FFP था नहीं, तो दे हैड, उनको कोई मसला नहीं था, दे कुड इजीली बोरो मनी बिकॉज एवरीवन न्यू देयर मैसिव ब्रांड्स, राइट कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको पैसा देने से कतराता नहीं था। जब FFP आया, FFP क्यों आया, बिकॉज एन PSG केम इन एंड PSG सेड कि हम सब प्लेयर्स खरीद लेंगे, देन ये बड़े जो Big 12 थे इन्होंने डिसाइड किया कि तब तक सोशल मीडिया भी आ गया था 2012-13 तक। बिग 12 थोड़ा बताएंगे सादिक भाई कौन कौन थे। देखो यूरोप के Big 12 हैं आपके, इंग्लैंड के Big 6, सिटी को उन्होंने शामिल कर लिया था, ही सिटी वॉज लाइक आखिरी बंदा है जिसको हम इजाजत दे रहे हैं हमारे साथ आने की, नहीं इनर होता। सर्कल द इनर हाँ वो सर्कल चौधरी, वो चौधरी बोलता है ना, बस तुम आखिरी हो, इसके बाद नहीं है जगह, नहीं है इसके बाद, खत्म। तो वो Big 6 आ गया, तब तक टॉटनहैम ने भी अपना पैसा, तो टॉटनहैम हमेशा बनाती थी, हैज बीन अ वेरी स्मार्ट वन, प्लस एक्चुअली 10 है, टॉटनहैम भी आप उसमें शामिल नहीं करो, सिटी को भी आप नहीं करो, तो जो Big 4 है, लिवरपूल, चेल्सी यूनाइटेड, आर्सेनल, चेल्सी, स्पेन में हो गए आपके रियल मैड्रिड मड्रिड, बार्सिलोना बार्सिलोना, जर्मनी में हो गया आपका बायर्न जर्मनी, म्यूनिख बायर्न म्यूनिख, यस जर्मनी, हाँ, क्योंकि बायर्न म्यूनिख का मैं अक्सर बता चुका हूँ, काफी लोगों का आइडिया हो गया, कि जो 51-49 है उन्होंने तब इसका माना जब दे हैड, भाई जब आप जर्मनी के चार बिगेस्ट इंडस्ट्री जायंट्स कौन है, आलियंस, डॉशे यस टेलीकॉम, मर्सिडीज बेंज, ऑडी, करेक्ट ये चारों ओनर्स हैं बायर्न म्यूनिख के फ्रॉम डे वन सिंस द 70s। तो जब वो 49% पाए, मैन योर 49% इज लार्जर देन द इंटायर 100% ऑफ द रेस्ट ऑफ द लीग, Why तो आपका wouldn't फिफ्टी you? वन उस हिसाब से ही बड़ा होगा ना। Yes. तो इट्स लाइक दे आर PSG इन द लीग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसिस, वो तो बिकॉज है देर ही। इज नो, हाँ, नाउ कमिंग बैक टू व्हेन FFP केम इन, दे डिसाइडेड कि नहीं भाई अब तो रोकना पड़ेगा, वी नाउ लेट साइन दी FFP, तब तक डेपोर्टिवो का सत्यानाश हो चुका था, वेलेंसिया का सत्यानाश हो चुका था, सो दे ब्रॉट इन अ मैकेनिज्म जहां से क्लब्स रुक जाएं, लेकिन आप नहीं रोक सकते ना, पैसा ऐसी ऐसा समंदर है कि अगर वो बहता है तो फिर वो सबके साथ सबको बहता ले जाता है। बिल्कुल सही बात है। PSG, सिटी, दे फाउंड लूप होल्स इनके ही रूल्स में, इनकम और उसको बैलेंस करना है ना, ठीक है हमारा स्पॉन्सर हमको 200 मिलियन दे रहा है, उखाड़ लो जो उखाड़ सकते हो। फिर इंटरनली इन्होंने फिर एडिट किया कि द स्पॉन्सर कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द ओनर, विच इज टेक्निकली अ रॉन्ग, वो अगर एक ओनर हाँ आ रहा है वो इन, भाई अगर अभी मैं अपना बिजनेस खोल रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस खोल रहा हूँ, मेरे बिजनेस को मुझे आगे बढ़ाना है, तो मैं अपनी तरफ से कैपिटल इंजेक्ट करूंगा ना,
सही बात है, कोई बाहर वाला लॉजिक, डालेगा। द लॉजिक ऑफ बिजनेस क्या स्टेट करता है? फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स जो हैं जिसपे हम बिजनेस रन करते हैं वो क्या स्टेट करते हैं कि भाई इफ आई हैव अ बिजनेस, आई ओन इट, आई विल इंजेक्ट द कैपिटल इनटू इट। मैं एग्जैक्टली अपने, चलो मैं अपने भाई से या मैं तुझसे लेके भी अगर इंजेक्ट करूंगा तो मैं इंजेक्ट करूंगा ना अपने नाम से। एग्जैक्टली वो मतलब वो टेक्निकली आप ही हो, वो तो मैं 100% अग्री करता हूँ। साथ ही एग्जैक्टली। साथ, हाँ सॉरी तो कंटिन्यू। व्हाट हैपेंड वाज कि दे स्टिल कंटिन्यूड ऑन द टीवी राइट उसी उस पे। इस दौरान हावेर टेबास केम इन एंड ही सेड कि नहीं, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द लीग। आई विल पुट इन अ सैलरी कैप, आई विल पुट इन लॉज वेयर टीवी मनी विल हैव टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। राइट बट बिकॉज बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड हैड प्रीवियस कमिटमेंट्स विद द लीग, दे आर स्टिल डूइंग देयर ओन टीवी कॉन्ट्रैक्ट्स, बट लालीगा ट्राइड टू गो एंड ब्रिंग इन अ टीवी कॉन्ट्रैक्ट, बट दैट टीवी कॉन्ट्रैक्ट कुड नॉट बी एज लुक्रेटिव बिकॉज बाकी क्लब्स की उतनी वैल्यू नहीं रही थी, इतनी वैल्यू बची नहीं थी क्योंकि वो क्लब्स को कभी पैसा इतना मिला ही नहीं था। तो देवर वर्किंग एट अ शू स्ट्रिंग बजट। उसमें से एक आध क्लब एथलेटिको अंडर द ट्यूटेलेज ऑफ डिएगो सिमियोने को क्यों इतना मानते हैं, क्योंकि उसने शू स्ट्रिंग बजट पे टीम को सक्सेसफुल किया, पैसा आया और फिर उसने टीम फर्दर बिल्ड करी। दैट्स व्हाई ही इज सो रिवर्ड इन द एथलेटिको मैड्रिड सर्कल्स। राइट डिस्पाइट द कंस्ट्रेंट्स ऑफ द सिस्टम ही मैनेज टू मेक द क्लब बिग, विच इज अ वेरी रेयर एग्जाम्पल। उसके बावजूद फिर क्या हुआ, अगेन एथलेटिको मैड्रिड हैड फेस द सेम इशूज कि वेन दे बिकेम बिग, तो जब आप बड़े होते हो तो आपके एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं। बिल्कुल उनको केटर करने के लिए देन दे डिड नॉट हैव द इनकम टू कम बैक। जब वो इनकम नहीं थी और वो किसी से इंजेक्ट नहीं करवा सकते थे पैसा बिकॉज ऑफ द एफएफपी रूल्स, नाउ एथलेटिको मैड्रिड इज हैविंग इश्यूज। बार्सिलोना सेम थिंग, क्योंकि बार्सिलोना क्या हुआ, दे वर रेकिंग इन मनी लाइक क्रेजी, 1 बिलियन तक पहुंच गया था, 1.2 बिलियन तक पहुंच गया था बार्सिल। उस जब वो 1.2 बिलियन तक पहुंच गया, आवर इशू वॉज द पीपल हैंडलिंग दैट मनी, पीपल लाइक होजे बार्टोमेओ एंड एनिस क्रोनीस, के वो उस पैसे में से चाह रहे थे कि हम घपला कैसे करें। अभी हम जो बोलते हैं ये हमारे सारे लेजेंड्स हैं, पीके वो इंक्लूडिंग इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, व्हेन ही रियली आल्सो गॉट, रियली व्हेन सी ही हैड एन इशू व्हेन हिज कॉन्ट्रैक्ट वाज कमिंग अप, ही नेवर हैड एन इशू व्हेन ही वाज गिवन एन एक्सटेंशन। राइट वी नेवर हर्ड मेसी इश्यूज व्हेन एवर ही वाज गेटिंग एन एक्सटेंशन विदाउट आर विदाउट आस्किंग फॉर इट। तो देर वर सर्टन इश्यूज वेयर हिज हैंडलर्स जो उसके अकाउंट्स हैंडल कर रहे थे बार्सल, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज हो रहे थे और जो सारी हरकतें वो कर रहा था बार्टोमेओ की, इसीलिए फिर बार्टोमेओ ने फर्म हायर की कि टू स्लैंडर मेसी एंड दी अदर लेजेंड्स। सर्टन राइट ऑफ कोर्स, हाँ वो तो अलग ही। लेजेंड्स का मुंह, सर्टन लेजेंड्स का मुंह कैसे बंद किया, सर्जियो बुस्केट्स इज गोइंग टू मेक 40 मिलियन इन हिज लास्ट ईयर राइट नाउ, वाओ राइट जेरार्ड पीके मेड 50 मिलियन इन हिज लास्ट ईयर, वो भी अभी हमारी बुक्स पे है। तो बहुत घपले हुए हैं, मतलब दैट सिस्टम वाज करप्ट। फ्रैंकी डियोंग को जाके आउट ऑफ द वे वेजेस दिया, क्यों, उसका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कंस्ट्रक्ट किया कि जिसमें उसको भी कुछ पैसा मिला। अभी ही वाज ही इज बीइंग ट्राइड फॉर दैट कि ही ट्राइड, क्या बोलते हैं उसको, पैसे खुद बुद करने के, अपने अकाउंट्स में भी पैसे उसने काफी ट्रांसफर करवा करके सर्कमवेंटिंग एजेंट्स के, फंड्स, बेसिकली एजेंट्स के साथ मिलकर उसने बहुत गड़बड़ियां की हैं। हाँ तो ये बहुत सारी चीजें विच आर नॉट आउट इन द वाइट, बट ग्रे राइट अगर आप देखोगे ना, अगर आप र्यूमर मिल चेक करोगे तो देर इज अ लॉट ऑफ स्टोरीज आउट देयर। उसमें क्या हुआ, बहुत अंड शंड पैसा खर्च किया, उस्मान डेम्बेले 150 मिलियन। तो ये सब करने के बाद व्हाट हैपेंड, बार्सिलोना लेकिन इस उसमें था कि भी हम तो 1.2 बिलियन बना रहे हैं, अगर खर्च भी कर दिया तो मना लेंगे। उस पे क्या भारी पड़ गया इनको, कोविड आ गया। राइट और परसों ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे लाइव स्ट्रीम पे अगर आपको याद हो, कि बार्सिलोना अपने 300 मिलियन तक रेवेन्यू जनरेट कर लेती है जस्ट बाय अटेंडेंस। करेक्ट कोविड आया, 300 मिलियन गया खड्डे में। तो सादिक भाई, एक 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 क्वेश्चन और है कि जैसे अभी, इट्स अ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स, जस्ट टू कंक्लूड माई पॉइंट, हाँ मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स जिसमें आपका टीवी राइट्स की डील, आपका एक शुरू से सिस्टम बायस्ड होना टूवर्ड्स अ फ्यू क्लब्स, कपल्ड विथ वो क्लब्स भी अपने एक्सपेंडिचर को सही से नहीं देख रहे थे। रियल मैड्रिड ने एक्सपेंडिचर सही से देखा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि व्हेन द रेस्ट ऑफ द लीग इज नॉट अर्निंग मनी,
रियल मैड्रिड अर्निंग पोटेंशियल ऑल्सो गोज डाउन, क्योंकि अब करेक्ट वो जमाना नहीं, अब वो जमाना नहीं है ना. एक जमाना था व्हेन द प्लेयर्स वर विलिंग टू सेल द राइट्स. क्यों? क्लब वॉज द व्हीकल जिससे आपको पब्लिसिटी ज्यादा मिलती थी अब वो बात नहीं प्लेयर को. है। सोशल मीडिया, एवरी प्लेयर, एवरी एंटिटी इज अ स्टार एंड इज अ ब्रांड इन देयर ओन राइट. सही बात है, सही बात है। दैट्स व्हाई रियल मैड्रिड वाज विलिंग टू लेट गो 80% इमेज राइट्स टू किलियन एम्बापे. जिडान के 100% राइट्स इवन आफ्टर हिज प्लेइंग डेज एंडेड फॉर अ फ्यू इयर्स वर विद रियल मैड्रिड. सेम विद अ पर्सन लाइक डेविड बेकहम. तो टाइम्स हैव चेंज्ड एंड इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ फुटबॉल इकोनॉमी एंड फुटबॉल फाइनेंसेस हैव बीन स्टक इन अ डिफरेंट एज. प्रीमियर लीग ग्रू, ला लीगा एंड द अदर लीग्स स्टक. ये पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूँ कि और इस पे मैं आ रहा था कि सारी एक ना कॉन्वर्सेशन आजकल बहुत हो रहा है कि प्रीमियर लीग एक क्वासी सुपर लीग बन गया है, जो कि मैं अग्री करता हूँ कि क्वासी सुपर लीग जरूर बन गया है, लेकिन आई थिंक ला लीगा से कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं जो जो आपने एक्सप्लेन किया। जैसे उन्होंने फाइनेंशियली इस सिचुएशन को हैंडल किया, जो जो उन्होंने कैलकुलेशंस या जो उनके प्रोजेक्शंस थे इट डिड नॉट पैन आउट। कोविड सबसे बड़ा रीजन है यार। सादिक भाई ये तो हो गई फाइनेंसेस की बात। थोड़ा मेरे को फुटबॉल के बारे में भी बात करनी है आपको आपसे। रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना, राइट? आई थिंक मतलब ये तो हम सब अग्री करते हैं कि टू ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड, उसमें कोई इशू ही नहीं है। लेकिन फुटबॉलिंग वाइज क्या सिर्फ मेसी और रोनाल्डो के चले जाने से उसको उसको पिन करना सही है? व्हाट आर द इश्यूज? व्हाई डू यू थिंक ला लीगा इज सडनली फेसिंग दिस अ बिट ऑफ एन आइडेंटिटी क्राइसिस? और ला लीगा जब मैं बोलता हूं तो वो सिनोनिमस हो जाता है रियल मैड्रिड और बार्सिलोना से। आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं है, इट्स जस्ट थोड़ा सा ना हमारे परसेप्शन का भी इश्यू है. फैंस ऑलवेज हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि देयर फेवरेट प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग. एंड व्हेन दोज फेवरेट प्लेयर्स आर ऑफ द कैलिबर ऑफ अ लियोनेल मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो दैट एक्सेप्टेंस इज अ लिटिल बिट इवन मोर डिफिकल्ट. एंड विद सो मच सोशल मीडिया अराउंड वेर देर इज ऑलवेज दिस बैटल टू कंपेयर वन विद द अदर एंड द अदर विद द थर्ड एंड द थर्ड विद द फोर्थ, तो उसमें और ज्यादा आपको दिक्कत होती है कि यार अब तो रोनाल्डो नहीं है, रैमोस भी चला गया. भाई होगा, दे विल गो एज के साथ, रिटायरमेंट एंड ऑफ प्लेयर्स डू कोर्स। मूव ऑन. ओल्डन टाइम्स बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है हम बुढ़े हो गए बिल्कुल. लेकिन वेन वी स्टार्टेड एंड वेन वी वेर द एज ऑफ मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस दैट इट दैट इज देयर, हमारे टाइम में क्या होता था, अखबार में क्लिपिंग आती थी बहुत, तो एक न्यूज वेबसाइट पे आपने आर्टिकल पढ़ लिया, थोड़े टाइम के बाद आपको होता था ठीक है अब ये प्लेयर नहीं खेल रहा. यू नो द टाइम, इतना आपको टाइम मिल जाता था बीच में फ्रॉम वन न्यूज टू द अदर न्यूज कि वो डाइजेस्ट करने का आपको मौका मिल जाता था. अभी इट्स ऑल इन योर फेस, विच इज वेरी गुड. भाई वी कैन वॉच, अभी मैं बैठ के 7 बुंडेसलीगा मैचेस फॉलो कर पा रहा हूँ अपने फोन पे साइमल्टेनियसली. सो उसके अपने बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपको लगता है कि यार अब क्या करें, मतलब कांस्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके सर पे. तो उससे आपको अब होता क्या है कि फिर उसमें आपको ये भी होता है, अब आप सबके हाथ में, हर कोई एक जर्नलिस्ट बन गया है, तो आपके हाथ में ये है कि आपने जाके ट्विटर पे किसी दिन बोल दिया होगा रोनाल्डो के बारे में कुछ. अब नेक्स्ट डे भाई प्लेयर है ना, गुड गेम्स बैड गेम्स सबके होते हैं, उसका बैड फेज या बैड फॉर्म चल रहा है, अब आपको सुननी भी पड़ेगी क्योंकि आपने लोगों को सुनाई है किसी टाइम पे. तो ऑल दैट बिकम्स, आपको लगता है लालिगा का वो अब मजा ही नहीं रहा, वो चीज ही नहीं रही, जबकि इट्स जस्ट सिक्लिकल. यू हैव टू गिव इट टाइम फॉर थिंग्स टू री इमर्ज अगेन. ऐसा नहीं, अभी रियल मैड्रिड हैज अ फेयरली यंग स्क्वाड, बार्सिलोना हैज अ फेयरली यंग स्क्वाड. इन द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स इफ द फाइनेंशियल सिनेरियोस चेंज, एथलेटिको मैड्रिड इज ट्राइंग टू टर्न द कॉर्नर एंड मेक अ यंगर स्क्वाड, तो यू विल हैव दोस प्लेयर्स कमिंग अगेन. और यहाँ पे फिर बात कोई आ जाती है जो हम कर रहे थे थोड़ी देर पहले फाइनेंसिस की बात, कि एंड ऑफ द डे टैलेंट इज बीइंग परचेस्ड एंड टैलेंट को परचेस करने के लिए आप वो जमाने गए व्हेन इट वाज ओनली पुल पावर, क्योंकि वही आई है थिंक ना. ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है कि सिर्फ पुल पे अब आप प्लेयर्स नहीं खरीद सकते। क्योंकि अब वो प्लेयर को स्पेन में आके मैड्रिड के साथ खेल के ब्रांड नहीं बन सकता ना, वो
अब वो चेल्सी में खेल के ब्रांड बन सकता है, वो लिवरपूल में खेल के ब्रांड बन सकता है, एक वो ब्राइटन में अगर अच्छा खेले तो ब्राइटन में खेल के ब्रांड बन सकता है। तो अब आपको वो जरूरत नहीं है ना भाई। इसका एग्जांपल अब लोग बोलते हैं, मैं अमेरिकन स्पोर्ट्स का बहुत एग्जांपल देता हूँ, अमेरिकन स्पोर्ट्स ने फाइनेंसेस को विद टाइम हमेशा इवॉल्व किया, इसीलिए आई अप्रिशिएट उनका स्पोर्टिंग स्ट्रक्चर। रेलिगेशन प्रमोशन नहीं है, लेकिन उन्होंने रेलिगेशन प्रमोशन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए कि देर आर इंसेंटिव फॉर द लोअर बेस्ड टीम्स एंड देर आर पनिशमेंट फॉर द लोअर बेस्ड टीम्स जो एंड में फिनिश करती है। तो नाउ अ प्लेयर लाइक यानिस अंतेतकुंपो कैन प्ले इन मिलवॉकी विच इज अ वेरी स्मॉल मार्केट, प्रॉब्ली द सेकेंड और थर्ड स्मॉलेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट्स इन द एनबीए। ही कैन विन अ टाइटल देयर, ही कैन विन टू एमवीपीज, ऑल अदर अवार्ड्स एंड बी अ मैसिव मैसिव ग्लोबल सुपरस्टार व्हाइल बीइंग इन मिलवॉकी। ही डजंट नीड टू गो टू एलए एंड न्यूयॉर्क एंड शिकागो। बिल्कुल साथी में एक और क्वेश्चन है, विल डिस्कस अ फ्यू मोर पॉइंट्स। नाउ एक लालीगा का एक परसेप्शन मेरे को जो मतलब ये है, आई पर्सनली फील हावियर तेबास जो है ना, ही इज डूइंग क्वाइट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आल्सो। जैसे आप बोल रहे हो कि इक्वल मनी डिस्ट्रीब्यूशन, सैलरी कैप, वो सब चीजें होनी चाहिए आइडियल वर्ल्ड में। बट हावियर तेबास, व्हाट इज योर ओपिनियन, कैन लालीगा गो बैक टू जो 2008 से लेट्स से 2015 तक जो मतलब पावर हाउस था बिल्कुल लालीगा वर्ल्ड फुटबॉल में, डू यू सी दैट हैपनिंग अंडर हावियर तेबास? यार देखो, द वे ही इज अंडर हावियर तेबास नहीं, उसके उसको जो अकॉम्प्लिश करना है वैसा बंदा, लेकिन विद अ लिटिल बिट ऑफ अ लीवे, मतलब जो थोड़ी छूट देने की इजाजत हो, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते ना कि आप अपने ब्रांड, जो आपका जो ब्रांड है ठीक है ना, उसके जो दो सबसे बड़े अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं उनमें से एक को प्लेयर्स आप पूरी तरीके से दबा दो, आप एग्जैक्टली अपने पिलर नहीं काट सकते ना भाई। आप भाई जिस जिस दरख्त की टहनी पे आप बैठे हो, आप उस टहनी को काटोगे तो गिरोगे। तो ऐसा नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अगर वो टहनी काटनी भी है तो आपको पहले दूसरी टहनी को करना है, उसको स्टेबलाइज करना है, दूसरी टहनी को ऊपर लगाना है, ऊपर नीचे वाली काटनी है, ताकि आप गिरो नहीं। तो उसके लिए आपको गिव एंड टेक करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू सिट डाउन विद दोज बिग क्लब्स, टेल देम कि देखो हम कर रहे हैं स्ट्रक्चर, आपको भी थोड़ा हमारा करना पड़ेगा, हम आपको भी लीवे देंगे, आप अपने आप ही करो, लेकिन आप साथ में लीग को भी देखो, क्योंकि हम अगर लीग को नहीं बढ़ेंगे, आप तो सिट डाउन विद देम एंड टॉक टू देम। आप डंडा लेके नहीं आ सकते ना कि भाई हम तो ये करने ही नहीं देंगे। देखो एक तरीके से सही भी है कि यू नो ही इज ट्राइंग टू डू अ रेडिकल सर्जरी ऑफ द एंटायर सिस्टम इन वन गो, लेकिन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में अगर आप रेडिकल सर्जरी करोगे तो समटाइम्स थिंग्स डोंट सर्वाइव। सर्जरी का रेफरेंस ऑफ कोर्स सादिक भाई के साथ हम लोग ने किया है, बट सादिक भाई ये ऑब्वियसली आई पर्सनली फील कि उस वो प्रिंसिपल्स, कोई कोई जो प्रिंसिपल्स बोलता है ना, आई नो कि आप बार्सिलोना फैन हो, बार्सिलोना के तो अगेंस्ट है वो, मतलब ये बहुत क्लियर सी बात है, समझ आता है कि वो वो दिखता है ही इज एंटी बार्सा, उसमें उसमें कोई देर इज नो नीड टू मिंस वर्ड्स ऑन दैट फ्रंट। इसलिए मेरे को भी लगता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा कि आप मतलब अगर आप बोलोगे कि क्या होता है ना, इसको मैं अगर इंडस्ट्री का एग्जांपल देके मैं समझाऊँ ना, क्या होता है ना कि मान लो कि आप रेगुलेटर हो स्टॉक मार्केट में, आपको पता है कि एक कोई कंपनी है उससे फाइनेंशियल गलतियां हुई है या ऐसी कोई चीज हुई है जो आप अग्री नहीं करते हो, यू कांट कट देम ऑफ बिकॉज आपको पता है कि उसके वजह से इकोनॉमी में कितना फंड्स फ्लो हो रहे हैं। दिस इज हाउ आई वही वुड बात है, एक्सप्लेन इट। वही बात है, यू रेगुलेट देम, यू कांट से कि बॉस यू कांट फंक्शन, एग्जैक्टली। दिस इज हाउ आई वुड पुट दिस। नहीं, यू आर एग्जैक्टली टू द पॉइंट, परफेक्ट, परफेक्टली पुट। तो मतलब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे जो आपसे बात करना चाहता हूं कि अब ये पूरे इक्वेशन में अ कैट हैज बीन रिलीज अमंग्स द पिजन्स विच इज द ESL, हाँ लापोर्टा ने तो बोला है कि 25-26 से हम लाना चाहते हैं, विच इज बिल्कुल, अभी से 2 सीजन बाद। 2 सीजन की टाइमलाइन मुझे थोड़ी टाइट लगती है, मुझे नहीं लगता है कि इतनी जल्दी आप सारे लोगों को, जितने स्टेक होल्डर्स उनको कन्विंस कर पाओगे। बट एनी वे कमिंग टू दिस, एक जो लालीगा में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है इन अ रियल, नॉट इन अ टेक्निकल फॉर्मल वे, बट जो आप एक डिस्पैरिटी आप बोल सकते हो 2 और 18, वो जो टॉप हैवी आप एक तरह से बोल दो, डज ESL सॉल्व दैट फॉर लालीगा? नॉट इमीडिएटली,
नॉट इमीजिएटली, बिकॉज ESL क्या कह रहा है, और वो भी वो दिस इज वॉट देर सेइंग राइट, वी नो नथिंग वर्क्स टू 100%, लेकिन इवन इफ इट वर्क्स टू 80% इट वुड बी गुड फॉर। अब इसमें एक आर्ग्यूमेंट इंग्लिश क्लब्स जो फॉलो करते हैं वो क्या देते हैं, सबसे पहली चीज तो जब फैन आके बोलते हैं ना कि ट्रेडिशन, उस पर मैं सबसे पहली चीज बोलता हूँ आपको ये ट्रेडिशन समझाया किसने, इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया ने। हम तो भाई देसी लोग हैं ना, मैं या पाकिस्तानी यूएई में बैठा हूँ, तुम इंडिया में बैठे हो, तुमको क्या पता कि लिवरपूल का ट्रेडिशन और लिवरपूल का वो क्या है, ठीक है ना। राइट, और उन फैंस को भी ये ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स किसने फीड किए, मीडिया मीडिया ने। जब पीएल प्रीमियर लीग अपना इवॉल्व कर रही थी एंड द मीडिया वॉज बिहाइंड इट, तब बोले नहीं वी हैव, तब क्या न्यूज आती थी, अगर उस वक्त की न्यूज क्लिप्स देखो, दिस इज द एवोल्यूशन ऑफ द ट्रेडिशन, वी हैव टू राइट इवॉल्व, वी हैव राइट टू इवॉल्व, ठीक है ना। अब पीएल को क्या डर लग रहा है कि देखो इसमें फड्डा ये नहीं है कि बाकी लीग्स को टेंशन है, या यूएफए को, यूएफए को तो ये टेंशन है भाई हमारी चौधराहट चली जाएगी, ठीक है ना, हमारा यूसीएल चला जाएगा, हमारी चौधराहट चली जाएगी, क्लब्स हमारे हाथ से निकल जाएंगे, ये सही यूएफए बात को है ये टेंशन है, इससे ज्यादा यूएफए को कोई टेंशन नहीं है। राइट पीएल को ये टेंशन है, या जो एफए है उसको ये टेंशन है, तो भाई इस वक्त वी आर रेकिंग इन द मूला, ऐसा तो नहीं मतलब हो, इट्स देयर ऐसा टर्न तो टू नहीं ईट, होगा। इट्स देयर टर्न टू ईट, हाँ यस नहीं, एंड दे हैव बीन ईटिंग फॉर द लास्ट डेकेड प्लस, ऐसा नहीं है कि पीएल मिड 2000s में भी नहीं कमाती थी, वो तब भी बहुत ज्यादा कमाती थी। नहीं, मगर वो फिर भी मतलब एक 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 बोल सकते हैं ना कि दूसरे लीग्स का भी एक प्रपोर्शन था। यहाँ पे तो ऐसा है कि हाँ मतलब आप हम पिज्जा ही का एक है स्लाइस दे रहे बाकी हो और बोल रहे हो कि तुम लोग खाओ, पाय मेरा है। बाकी पूरा पाई मेरा है, वो है। नहीं वो है, तो अब सीन क्या है कि पीएल ये देखता है कि यार स्पॉन्सर्स अगर देखेंगे इधर के यार सारे बड़े टीम्स उधर हैं, उधर जाएंगे। अब इसमें मैं क्या बोलता हूँ, अगेन मैं ब्राइटन का बड़ा अच्छा एक एग्जांपल लेता हूँ, क्या ब्राइटन जैसी टीम है, उसके पास मिटोमा कैसेटो सारे, इतनी अच्छी टीम बनाई ना, दे हैव डन थिंग्स द राइट वे, द कोट अनकोट जो हमें इंग्लिश स्पीकिंग मीडिया समझाता है द राइट वे। अब उनका राइट वे को क्या करेंगे, अगले सीजन आएंगे और उनकी टीम को रिपापार्ट कर देंगे सारे पैसे वाले क्लब्स, इनके जो मिटोमा कोई ले जाएगा, कैसेडो कोई ले जाएगा, ये कोई ले जाएगा, मैकलिस्टर कोई ले जाएगा, ट्रोसार्ड वैसे ही चला गया है। अब क्या होगा, ब्राइटन को पैसा तो मिल जाएगा, बट नाउ ब्राइटन अगेन हैज टू मेक श्योर कि उनकी स्काउटिंग इतनी सही हो, दे हिट ऑन ऑल द टारगेट्स, वो हिट करने में 2 साल लगेंगे, उस 2 साल में अगर गलती से ब्राइटन रेलिगेट हो गया तो फिर से 7-8 साल का साइकिल फिर से। वो फिर साइकिल शुरू हो जाएगा। सो दिस वाज पार्ट वन ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट। यार बहुत ही अमेजिंग कॉन्वर्सेशन है, आई एम एब्सोल्युटली लविंग दिस। इसका पार्ट टू भी आएगा। पार्ट वन को आपने कितना एंजॉय किया, आपको क्या लगता है इसके बारे में, आपके व्यूज क्या हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे ला लीगा अपने आप को और बेटर कर सकती है, जो प्राइम पोजिशन पे थी उस पर वापस क्या करके वो जा सकते हैं, और आपको क्या लगता है कि ESL इन सब चीजों में कैसे फिट होता है, आप हमको बताइए कमेंट सेक्शन में। और हम तो कंटेंट बनाते रहेंगे, विल कम विथ मोर कंटेंट, मोर वेरिड कंटेंट अगेन विथ यू इन फ्रंट ऑफ यू। एंड अंटिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स एंड रिमेंबर वन थिंग दैट वी ऑलवेज से, अप द रेड्स।